हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं जा रही हूँ केले का बड़ा बनाने। इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 केले हैं, लहसुन है, ये सारे मसाले हैं, नमक आधी चम्मच से 1 चम्मच के लगभग है, मिर्च है आधी चम्मच, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला सब मात्रा के अनुसार मैंने रखे हैं, आधी चम्मच से 1 चम्मच के लगभग, 300 ग्राम के लगभग बेसन है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, 1 से 2 गिलास पानी है जिससे मैं केले को उबाल लूँगी। आप देख सकते हैं 1 से 2 गिलास पानी डाल के कुकर में आप केले को उबाल लें। आप देख सकते हैं मैंने कुकर चढ़ा दिए हैं, देख सकते हैं कुकर चढ़ चुका है, गैस मैंने ऑन कर लिए हैं और मैं अब इसे 2 मिनट के लिए 2 सीटी दिलवाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे। आप देख सकते हैं कि मैंने केले को 3 केले को उबाल लिए हैं और इसे मैं छिलका इसका हटा दी हूँ और मैं इसे अब ठंडा करूँगी। 1 मिनट के लगभग ठंडा करने में लगता है इसे, तब तक मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। सबसे पहले 200 ग्राम के लगभग, 200 से 300 ग्राम के लगभग ये मैदे हैं, वजन उसको मैं डालूंगी। ये देखिए आप, मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को कद्दूकस कर लिया, इसे इसमें ऐड कर लें सबको। सब्जी मसाला 1 चम्मच के लगभग है, इसे ऐड कर लें। हल्दी पाउडर ऐड कर लें 1 चम्मच के लगभग, छोटी चम्मच से, खाने वाली जो चम्मच होती है उसी चम्मच का मैंने यूज किया है। देख सकते हैं ये सूखा पाउडर है, लाल पाउडर जो आप देख सकते हैं, वो लगभग आधी चम्मच के लगभग मैंने लिए क्योंकि मैंने हरे मिर्च 3 पहले से कद्दूकस करके रख लिए हैं, कट करके उसे अब इसमें अब 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से माने तो 1 चम्मच है, ये खाने वाली स्पून से आप आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सबको मिक्स करेंगे। अभी ये पा करके देखिए अभी ये गर्म है, हाथों से छू नहीं सकती इसे, ये थोड़ा अधिक गर्म है। अभी मैं इसे ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं सबको मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने केले को, उबले केले को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसमें सारे मसाले भी मैं अच्छे से मिला चुके हूँ। अब मैं गैस ऑन करके तेल गर्म करूँगी, जो आप देख सकते हैं तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, गैस ऑन है, अभी थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे। तो मैं इसमें एक एक करके छोटा छोटा देख सकते हैं ऐसे, अभी ये तेल गर्म नहीं है, अभी गर्म हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आप देख सकते हैं ये मैंने पकौड़े डाल दिए हैं। आप भी इसी तरह पकौड़े राउंड राउंड करके डाल दें, देख सकते हैं मैंने इधर प्लेट में भी कुछ राउंड कर लिए हुए हैं, से ऐसे ही आप भी राउंड कर ले और डाल दें। आप देख सकते हैं मैंने इसको लट पलट करके पूरा रेड होने तक इसे डाले, देख लीजिए कितने अच्छे मिक्स में लग रहे हैं ये बनाना केले के पकौड़े। अरे बड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं इसके। आप भी इसे आप बना करके इंजॉय कर सकते हैं, इसका स्वाद इतनी अजीब लजीज होती है कि आप एक बार अगर इसे चख लेंगे बार बार आप बना करके इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। सूखी मिर्च का यूज किया था और सूखी मिर्च का आप चाहें तो ऐसे ही उलट पलट करके तो जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए आप इसे निकाल लें और मैं यहाँ पे और पकौड़े बना लिए हैं जिसे आप फिर से इसमें डाल दें। रेड करना हो तो थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लीजिए, लो से थोड़ा तेज कर लीजिए। अब इस पकौड़े निकालने के लिए तैयार है सर्व करने के लिए। आप भी इसी तरह बनाएं, देख सकते हैं मैंने इधर प्लेट में से ट्रांसफ़र कर लिए हैं। आप भी इसी तरह बनाएं और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। आप चाहें तो इसमें चीनी
भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं। हरी मिर्च डालें, चटनी डालें, कोई भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी पकौड़े होते हैं, बरसात के टाइम पे इसे बना करके खाएंगे तो और भी टेस्टी लगे। चाय कॉफ़ी जो चीज़ के साथ आप चाहें उसी के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। जल्दी ख़राब भी नहीं होते, आप सफर में भी इसे एक दिन के लिए रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो